तो लास्ट टाइम सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट्राग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके रिगार्डिंग कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी जैसे कि रिफ्लेक्टेड रे सरफेस किस बोलते हैं इंसिडेंट रे कैसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंगल ऑफ फिर रिफ्लेक्शन इस टाइप की डेफिनेशंस देखी थी लास्ट टाइम पे ठीक है तो उसमें एक वर्ड आया था कि इमेज फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा जब भी रिफ्लेक्शन होता है तब इमेज फॉर्म होती है बट उसके भी टाइप्स होते हैं तो देर आर द टू टाइप्स ऑफ द इमेज फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज ओके एंड ऑप्टिकल इमेज इज डिस्क बाय द रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज ओनली तब okay. भी रिफ्लेक्शन होगा कोई भी रे का इंसिडेंट okay. रे आएगी और उसमें से जब वो रे रिफ्लेक्ट होगी एट दैट टाइम क्या फॉर्मेशन होगा इमेज तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे ही रिस्पॉन्सिबल है इंसिडेंट uh, रे से उसको कोई लेना देना नहीं है नेक्स्ट तो इट इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज तो रियल इमेज किसे बोलेंगे तो जिस जो इमेज को आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसे क्या बोलेंगे रियल इमेज और जिसको आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते उसे क्या बोलेंगे वर्चुअल इमेज तो फर्स्ट रियल इमेज दिस इज फॉर्म ड्यू टू द रियल इंटरक्शन ऑफ रेज ओके जब भी क्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एट कौन सा इमेज फॉर्म होगा Real image. और वो आप आप क्या देख सकते हो? On screen आप देख सकते सकते हो? हो, जबकि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड अपेरेंट मतलब क्या होगा आपको लगेगा कि इंटरसेक्शन हो रहा है पर एक्चुअली में वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे ओके okay? आप जो अपने घर में तो मिरर में आप अपना फेस या अपने बॉडी देखते हो ना तो उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि इमेज फॉर्मेशन हो रही है बट वो कहीं पे स्क्रीन पे नहीं दिखेगी आप जबकि आपने ध्यान दिया हो तो वॉच होती है ना तो वॉच से आप लाइट करते हो पता है यहाँ से सनलाइट आती है तो आप यहाँ पे फेस पे या दीवार पे ऐसा सनलाइट का सर्कल बनाते हो ना तो वो क्या हो गई तो वो रियल इमेज हो गई यहाँ से रेज आ रही है वो वो सारी रिफ्लेक्ट होके वहां पे मर्ज हो रही है तो एट टाइम वो रियल इमेज होती है बट जब आप फेस देखते हो ना खुद का मिरर में एट टाइम वो सिर्फ अंदर ही दिखेगी आपको आजू बाजू कहीं दिखती है दिखेगी नहीं ना तो वो क्या हो गई आपकी वर्चुअल इमेज तो वर्चुअल इमेज कांट बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन वो स्क्रीन पे कहीं पे भी दिखेगी नहीं ह्यूमन आई कान डिस्टिंग बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज ह्यूमन जो आई है ना आपकी जो आंखें है ना वो कभी भी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंट नहीं कर सकती आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि वर्चुअल है कि रियल है पोस्ट अगर स्क्रीन पे दिखेगी रियल नहीं दिखेगी तो वर्चुअल ओके बिकॉज इन द बोथ केस आर डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मतलब मिलना डाइवर्जिंग मतलब सॉरी डाइवर्जिंग मतलब दूर जाना ठीक है डाइवर्जिंग मतलब दूर जाना दो वर्ड्स आएंगे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग मतलब मिलना और डाइवर्जिंग मतलब दूर जाना है? अगर रेस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग अगर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे कन्वर्जिंग डन टाइप्स तो ऑफ इमेज कितनी कौन सी रियल एंड रियल को किस पे देख सकते हो आप और वर्चुअल को नहीं देख सकते बस तो इतना ही याद रखना है ये सिर्फ वन मार्कर एमसीक्यू में या फील इन ब्लैंक्स में या डेफिनेशन में पूछते ज़्यादा ज़्यादा से कोई question नहीं आता डन एक्चुअली में देख लेते हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का रियल इमेज रियल इमेज इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड राइट लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओके okay, और यहाँ पे सिर्फ आपको कैसा लगेगा ऐसा अपीयर होगा कि वो लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर अपियर होना रियलिटी में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते फर्क देखना दोनों के बीच में नेक्स्ट इट कैन बी ऑप्टेन ऑन एंड इट कैन बी ऑप्टेन ऑन रियल इमेज ऑलवेज कैसी होगी इन्वर्टेड इन्वर्टेड मतलब उल्टी आप सीधे खड़े हो गए ना तो आप अगर आपकी रियल इमेज मिलेगी तो उल्टी दिखेगी ओके okay? और वर्चुअल हमेशा इरेक्टेड मतलब आप सीधे खड़े हो गए ना तो सीधे ही मिलेगी अगर आप सीधे खड़े हो और आपकी इमेज सीधी मिल रही है उसका मतलब वो कैसी इमेज होगी वर्चुअल इमेज होगी और आप सीधे खड़े हो और आपकी इमेज उल्टी दिख रही है तो वो कैसी होगी रियल इमेज होगी डन इतना क्लियर हो गया तो देखते हैं कौन से कौन से केस में रियल इमेज मिलती है तो इन केस ऑफ मिरर रियल इमेज इज इन इन अ फ्रंट ऑफ मिरर ठीक है मिरर के सामने की साइड में आपको रियल इमेज मिलेगी तबकि मिरर वर्चुअल इमेज कहां पे फॉर्म होगी इनसाइड द रियल होगी ना तो सपोज ये ये आपका सपोज ये मिरर है अगर मिरर के सामने की साइड में कहीं पे इमेज आपको दिख रही है तो वो कैसा होगा real. अगर अंदर की साइड में ही दिख रही है तो वो कैसी वर्चुअल ओके नेक्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ लेंस रियल इमेज इज फॉर्म द अनदर साइड ऑफ द लेंस लेंस कैसा होगा दोनों ही साइड पे उसका ट्रांसपेरेंट होगा तो उस साइड में अगर यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऑपोजिट साइड में आपको क्या मिलेगा इमेज मिलेगा ओके okay? ये रियल वाले के इसके अंदर है अगर वर्चुअल होगा तो जो साइड ऑब्जेक्ट है ना उसी साइड पे आपको इमेज भी दिखेगा दिखा हुआ है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट डन ये वाला जो पॉइंट है ना जब आप डायग्राम पढ़ोगे ना लेंस के और मिरर के तब आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाएगा कि कैसे हिल रही है इमेज ओके अभी खाली इतना याद रखो इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं ना नेक्स्ट टॉपिक तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर के जर्नली टू मार्कर और थ्री मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार ठीक है कि प्लेन मिरर आपके घर के अंदर जो प्लेन मिरर है ना उसके जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ठीक है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो सपोज अब इमेजिन करना है कि आप अपने घर के एक प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो किया क्या इमेजिन क्या तो अब यहाँ पे अब सोचते जाओ कि आप अपने घर के प्लेन मिरर के सामने खड़े हो आप जैसे खड़े हो वैसे ही दिख रहे हो ना आपकी हाइट जितनी है उससे बड़े दिख रहे हो आपकी जितनी हाइट है उतनी ही अंदर भी हाइट दिख रही है ना यनो तो ऑब्जेक्ट जो साइज का है वही साइज की क्या मिल रही है इमेज ऑब्जेक्ट जिस इस साइज का है उतनी साइज का क्या मिल रहा है आपको इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ओके एक पॉइंट सेकंड आप मिरर से जितना दूर खड़े रहोगे उतना ही अंदर होगा सपोज आप अपने घर के मिरर है ये एक दो तीन चार में चार बेंच सपोज आ दूर खड़ा हूँ ये मिरर है ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बेंच पे आप लोग बैठे हो ठीक है तो अंदर कौन से सेकेंड बेंच पे दिखोगे लास्ट बेंच पे दिखोगे कौन से बेंच पे दिखोगे थर्ड पे ही ना तो मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही कितना रहेगा मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस रहेगा डिस्टेंस कैसा दोनों के बीच में सेम इमेज कहाँ मिल रही है कोई भी स्क्रीन पे मिलेगी के मिरर के अंदर दिखेगी तो कैसा रहेगा वो वर्चुअल या रियल वर्चुअल इमेज मिलेगी यस सेकंड सेकेंड थी मैं अपना राइट हैंड साइड राइट हैंड खड़ा करूंगा तो अंदर कौन सा राइट दिखेगा या लेफ्ट दिखेगा लेफ्ट दिखेगा ना यश और मैं अगर लेफ्ट खड़ा करूंगा तो साइड क्या हो गई साइड क्या हो गई चेंज हो गई ये पॉइंट्स याद रहे ये जितने पॉइंट्स मैंने क्लियर किए वो याद हो गए चलो अब देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज क्यू वर्चुअल मीर के अंदर दिख रही है इसलिए अगर वर्चुअल है तो वो कैसी होगी ऑलवेज आप सीधे खड़े रहते हो तो सीधे ही दिखते हो ना या उल्टी हो जाते हो अंदर सीधे खड़े रहते हो ना इसके लिए वो इरेक्टेड इमेज है तर, next. साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज सेम एज साइज ऑफ आप जितनी साइज के दिख रहे थे जितनी हाइट थी उतनी हाइट थी ना इमेज की या छोटी बड़ी हो गई या कम हो गई सेम थी ना तो द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नेक्स्ट द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस, ठीक है आप जितना प्लेन मिरर से जितना दूर होगे, उतना ही इमेज भी क्या होगा प्लेन मिरर से दूर होगा नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड मतलब आपने राइट right वाला हैंड खड़ा किया तो अंदर कौन सा अगर लेफ्ट वाला हैंड खड़ा करूंगा तो अंदर राइट वाला तो वो साइड जो चेंज हो गई ना उसे वो चीज को क्या बोलेंगे इनवर्जन लेटरली इनवर्टेड प्रोसेस को वो फिनोमिना को क्या बोलेंगे लेटरली इन्वर्जन मतलब प्लेन मिरर के अंदर साइड्स चेंज हो जाना उसे क्या बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन डन डन द राइट ऑब्जेक्ट अपियर इमेज एंड वाइसा ओके कहीं पे भी कुछ याद रखने जैसा रहा यहीं चीज़ इसमें ना पता चली हो वैसी कोई भी नहीं ना आपने क्या किया सिर्फ इमेजिनेशन किया प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और आपको सारी चीजें पता है आप कैसे दिखने वाले कितने डिस्टेंस पे दिखने वाले सीधे खड़े हो उल्टे खड़े हो कौन सा हाथ ऊंचा करो नीचा करो सब आपको पता है फिर तो उसको सेंडेस में लिख दे। और कितने मार्क्स लेने दो मार्क्स में पूछे दो, दो मार्क्स लेने तीन मार्क्स डन इजी इजी टेक्स्ट बुक के अंदर पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है ये चीज ठीक है बट आपको पॉइंट वाइज याद रखनी है जो इजी रहेगा याद कर डन मेरा कोई डाउट मेरे दोस्त नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ मिरर। ओके देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर प्लेन एंड सॉरी ऐसे देखने जाए तो टू टाइप्स देंगे प्लेन एंड स्पीयरिकल और स्पीयरिकल में भी कितने टाइप दो टाइप कौन से कौन से कॉनवेक्स एंड कॉर्नगेव ओके डन तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिक्स हो गई तो इमेज फॉर्मेशन था वो फिनिश हो गया यार एक और चीज प्लेन मिरर के अंदर मेरे को बोलने की रह गई इफ ऐसा क्वेश्चन आता है कि सपोज प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है वो टेन मीटर अवे है या चलो ना वन मीटर अवे है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट वन मीटर अवे है। तो इमेज से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना होगा टू मीटर ठीक है याद रखना ये एक बार क्वेश्चन आया था डबल हो जाएगा डन अगर थ्री मीटर होता तो सिक्स डन डन अब बात करते हैं प्लेन मिरर के तो कोई टाइप्स है नहीं अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय द

अगर अंदर की साइड जो अंदर की जो साइड है ना अंदर की ये मिरर है मिरर की अगर अंदर की साइड रिफ्लेक्टेड है अंदर की साइड तो उसे बोलेंगे मिरर अगर बाहर की साइड रिफ्लेक्टेड है देखो ये बाहर की साइड रिफ्लेक्टेड दिख रहा है तो उसे बोलेंगे कॉनवेक्स मिरर ठीक है अब आपने कोई भी मिरर देखा होगा ना मिरर देखा होगा ना कोई भी घर के अंदर कोई भी मिरर देखा होगा तो उसके एक साइड क्या रहता है कलर रहता है और एक साइड पे साइनी सरफेस रहती है तो जो कलर वाला पोर्शन है ना रे डायग्राम के अंदर तो कलर वाला पोर्शन ऐसे डिनोट करते ठीक है थीके? तो उसके अंदर जो ये वाली सरफेस है ना वो क्या है रिफ्लेक्टेड सरफेस है ओके और ये वाला जो सरफेस है वो कलर वाला सरफेस है तो इतनी चीज याद रखना तो इसके अंदर देखो जहां पे कॉन्केव मिरर है उसके अंदर अंदर की साइड क्या है रिफ्लेक्टेड है और बाहर की साइड में कलर किया हुआ ओके जबकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर की साइड में कलर है और बाहर की साइड में रिफ्लेक्शन डन डन इसमें कोई डाउट किसी नहीं ना चलो हार्ड बहुत ज्यादा हार्ड फिगर क्स्ट तो अब बात करते हैं उसके टर्म्स की दोनों में सेम ही रहेंगे दोनों में कुछ चेंज नहीं होगा तो फर्स्ट बात करते हैं ओके इसमें किसी को कल डाउट था एपार्चर द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ सर्कुलर मिरर मिरर ये रहा ये रहा ओके यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना तो क्या बोलेंगे एपार्चर ओके okay? तो क्या बोलेंगे एपार्चर डन इजी नेक्स्ट इन डायग्राम ए बी इज एपार्चर ऑफ द मिरर ओके नेक्स्ट उसके बाद आता है पोल द सेंटर ऑफ द स्पीयर सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज अ पोल ऑफ द मिरर मतलब जो ये सेंटर वाला पॉइंट है ना ये मिरर के ऊपर ये सेंटर वाला पॉइंट आया तो इसे क्या बोलेंगे पोल पी वैसे ही यहां पे ये वाला क्या रहा सेंटर वाला पॉइंट तो इसे बोलेंगे पोल पी पोल किस पे है मिरर पे पोल किस पे है मिरर पे डन याद रखना ये चीज नेक्स्ट पोल इज इज द पोल ऑफ द मिरर पोल को जर्नली पी से डिनोट करते हैं नेक्स्ट अब आता है सेंटर ऑफ अरवेचर अब ये है क्या फियरिकल है ना तो क्या होना चाहिए स्फीयर होना चाहिए इन शॉर्ट तो सपोज ये कोई बड़ा सा ऐसा स्फीयर होगा ओके okay. वो तो स्फीयर का जो सेंटर होगा ना स्फीयर मतलब जस्ट लाइक अ बॉल ओके okay? उसका कोई सेंटर तो होगा ना तो उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ओके okay? वैसे ही यहां पे भी कोई सेंटर होगा ऐसे का तो जो सेंटर होगा उसे बोलेंगे इजी इजी नेक्स्ट डेफिनेशन देखे द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल स्फेरिकल शेल मतलब वो जो मिरर है वो कोई ना कोई तो किसमें से तो बना होगा ना कोई ना कोई स्पीयर में से क्योंकि नाम ही स्फेरिकल मिरर है तो कोई ना कोई स्पीयर में से वो बना होगा तो स्पीयर का जो सेंटर है ना उसे क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ विच द मिरर इज द सेक्शन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड द सरफ़ेस। अब बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे है के बाहर है बाहर है। मिरर के बाहर है तो आउटसाइड द मिरर नेक्स्ट एवरी पॉइंट ऑन द मिरर सरफ़ेस लाइज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट मतलब ये सेंटर है ना ये वाला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा ना तो मैं यहां से पॉइंट लूंगा तो यहां तक का डिस्टेंस यहां से लूंगा तो यहां तक का डिस्टेंस यहां से लूंगा तो यहां तक का डिस्टेंस यहां, तो यहां, यहां से लूंगा तो यहां तक सब कैसे हो गए सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड उसमें से जो लाइन पास होगी उसे क्या बोलेंगे द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल उसमें से ये जो लाइन पास हो रही है क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस पल फोकस ओके प्रिंसिपल फोकस समझते हैं चलो मिरर पता चल गया तो सपोज ये एक मिरर है कौन सा मीर है ये कौन सा मिररर है ये क्या है ये क्या है और ये पूरी लाइन को क्या बोलेंगे प्रिंसिपल तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलर कैसा अगल लाइट की रे अगर मैं पास करूंगा कर दी तो ये क्या है मिरर है उससे क्या होगा वो रिफ्लेक्ट होगा सपोज ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है सपोज ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस Next, it is the point on the principal axis of the mirror such that rays incident on the mirror is parallel to the principal yes. axis. Reflection actually meets at the point. और एस इसके अंदर क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दिखेगा एक साइड में और कॉनकेव के अंदर पीछे की साइड में दिखेगा वो मैं समझाता हूं कैसे इन डायग्राम एफ इज द प्रिंसिपल फोकस ओके डन ये पता चल गया ये किसके अंदर था कॉनकेव के अंदर था ठीक है अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं तो ये क्या है ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स की बात करते हैं अब तो कॉन्वेक्स के अंदर अंदर की साइड क्या होगी रिफ्लेक्शन होगी ये क्या हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ क्योंकि कव ऐसे बनेगा ठीक है कहोगे ऐसा ऐसे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ ये आ गया मेरा ये आ गया मेरा पोल अब प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पैरेलरी क्या कर रहा हूं रेज आ रही है लाइट की तो यहां पे क्या होता है ना कि ये जो मिरर है वो डाइवर्जिंग टाइप मिरर मतलब वो रेस को क्या कर देगा दूर दूर फेंक देगा यानी वो ऐसे चला जाएगा एक रे और एक रे यहां पे ऐसे चला जाएगा ठीक है तो ये कहीं पे भी मिल नहीं रहे ठीक है ये कहीं पे भी मिल नहीं रहे बट उसके अंदर ऐसा अपियरस हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो क्या होते हो मिल रहे होंगे तो उसके अंदर क्या करते है ना ऐसा डॉटेड लाइन दिखाते पीछे की साइड में उसको एक्सटेंड करते और वो जहां पे मिलेंगे ना वो उसे क्या बोलेंगे प्रिंसिपल ठीक है ये एक्चुअली तो कहीं पे नहीं मिले पर ऐसा एज्यूम किया कि वो मिल रहे तो उस साइड पे कौन सा वर्चुअल इमेज मिलता ओके और यहाँ पे रियल में मिले ना इंटरसेक्शन रियल में हुआ ना इसके लिए यहाँ पे रियल ये डिफरेंस वो रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में वो जो वर्ड आया था ना अपियर हो रहा है तो वो अपियर ऐसे होता है डन डन याद इतनी डेफिनेशन कुछ भी ऐसा लगा हार्ड चीज के हाँ सर ये तो याद करना ही पड़ेगा देखो अपार मतलब डायमीटर ऑफ द मिरर फिर आता है पोल पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग टू प्रिंसिपल पॉइंट सॉरी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस सो व्हेन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन साइड ऑन द सर्फेस ऑफ द द मिरर एंड इट्स मीट एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस दी डाल रहा हूं और रिफ्लेक्ट होके के पे मिल रही है वो पॉइंट को क्या बोलेंगे लैंग्वेज तुम अपनी लैंग्वेज में लिखो ना सेंटेंस पता चल गया ना ये लैंग्वेज ग्रामरिकली आप लोग को अरेंज करते आता है main, पता चल गया कि मेन प्रोसीजर हो क्या रही है पैरल लाइन्स आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलेगी वो पॉइंट को क्या बोलेंगे वो, वो बनाते नहीं आता आपको नहीं आएगा oh. चलो साइन कन्वर्जन कितनी डेफिनेशन याद हो गई इसमें एक और दो तीन चीजें आती है वैसे तो वो शायद से आगे आएगी देख ले रही ओके नेक्स्ट आगे आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ इज कॉल्ड एज इट्स ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्वीयर जो स्परिकल शेल था ना उसका जितना रेडियस होगा वो ही क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके डायग्राम के अंदर जो पीसी था वो क्या था रेडियस ऑफ कर्वेचर था और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं अब आता है फोकल लेंथ तो प्रिंसिपल फोकस पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन अ पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ ओके डायग्राम में पी एफ जो है वो क्या होगा फोकल लेंथ हो जाएगा और उसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे डन डन कोई डेफिनेशन इसमें हार्ड लगी टास्क कंप्लीटेड चल अब बात करते हैं साइन कन्वर्जन की न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा भूल इसमें ही होती है सबसे ज्यादा भूल चीज़ में होगी क्योंकि उसके अंदर साइन कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है अरे जी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री रे बाबा कार्टेजियन प्लेन ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नहीं पढ़े आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़े हो ये y एक्सिस है ये y डैश एक्सिस है ये x एकस एक्सिस है और ये x एकस डैश एक्सिस है ओके ये पढ़ते हो ना पढ़ा है ना बोलो ये लाइन के ऊपर के नंबर सारे कैसे हो गए और नीचे के नेगेटिव ये लाइन के इस साइड के इस साइड के बस फिनिश देखो अब इस पे आ जाए डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं पहले तो ये कभी पूछते नहीं है बट जर्नली टू मार्कर क्वेश्चन कभी बाय चांस पूछ सकते हैं राइट द साइन कन्वेंशन फॉर दियरिकल ओके वैसे तो लेंस के लिए भी सेम ही है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है तो देखते इट इज द कन्वेंशन विच फिक्स द साइन ऑफ द डिफरेंट डिस्टेंस इसके अंदर दो चीजें अभी भी इंक्लूड नहीं की एक आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरा आता है इमेज डिस्टेंस ओके तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा ना क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा ना उसे क्या बोलेंगे इमेज डिस्टेंस फिनिश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं यू स्मॉल यू और इमेज डिस्टेंस को स्मॉल वी से डिनोट करते हैं याद रखना डन डन चलो तो अब आते हैं साइन कन्वर्जन पे बात करें ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर यानी समझो ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट वो क्या है अपना पोल पोल इज द पॉइंट ऑन द सरफेस मिर एंड इज देंटर पॉइंट ऑफ द मिर ओके सारे डिस्टन्स कहाजर हो गए सेल्ड एज द सेंटर ऑफ द डिस्टन्स इज मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट डे इंसिडेंट रेट जो डायरेक्शन में जा रही होगी वही डायरेक्शन में आप सारे डिस्टेंस कर करोगे ओके okay? नेक्स्ट जा रही होगी तो वो डायरेक्शन में क्या रहेगा पॉजिटिव देखो अगर मेरी रे ये डायरेक्शन में जा रही है तो मैं ये डायरेक्शन से जितने मेजर करूंगा वो कैसे रहेंगे पॉजिटिव यानी ये पोल मुझे मेजर कहां से करना है पोल से मेजर कहाँ से करना है पोल से अब मैं ये डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं तो यहां से मेजर से स्टार्ट करना है पोल से तो यहां से यहां तक का तो मैं जा कौन सी डायरेक्शन में रहा हूँ किस साइड जा रहा हूं ना मेरी रे कौन सी डायरेक्शन में उसी साइड में ना तो उस साइड में क्या रहेगा अगर रे ये डायरेक्शन में है मैं मेजर ये डायरेक्शन में कर रहा हूं तो क्या आएगा क्या आएगा तो ये लाइन है कि ये साइड के डिस्टेंस कैसे होते है? और ये साइड के कार्टेजियन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ओके ये डायरेक्शन में ऑलवेज कैसे सब नंबर्स कैसे रहते है? ये डायरेक्शन में नेक्स्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो नेगेटिव डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर अपवर्ड एंड टू द प्रिंसिपल इज टेकन एज अ पॉजिटिव ऊपर की साइड में होगा तो पॉजिटिव तो नीचे की साइड में डन ऊपर की डायरेक्शन में क्या लेते हो पॉजिटिव ना ऊपर की नंबर्स कैसे रहेंगे नीचे की डायरेक्शन में फिनिश कुछ नया सिखाया चलो तो ये ये कर लेते हैं सिर्फ के बाद फिनिश करते हैं चलो तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं ना वो है तो जब भी ये टाइप ये कौन सा मिरर है कॉनकेव क्योंकि उसके अंदर की साइड क्या है रिफ्लेक्स ठीक है तो ये जो जितने भी रेज है ये वाली रे है ये वाली रे है ये वाली रे है ये वाली रे है ये वाली रे, रे है वो सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो सरफेस पर से रिफ्लेक्ट हो रही है और एक दूसरे को कहां पे मिल रही है फोकस पे जबकि कॉन्वेक्स मिरर है उसके अंदर सारी की सारी दूर जा रही है देखो है बट मैं उसको क्या करना हूं पीछे की साइड में एक्सटेंड कर रहा हूं तो वो जहां पे मिलता है उसे क्या बोलेंगे डन डन आज के दिन के नेक्स्ट टाइम से रिलेशनशिप इन द फोकल एंड सेंटर ऑफ करवेचर और बाकी की सारी चीजें करो